अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। हमने आप लोगों को आज इसलिए तकलीफ दी है कि आज जनाब परवेज साहब, परवेज नेंगू साहब, जो कि J&K बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं, आज उन्होंने डिसाइड किया है कि वो जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत खुशी का मौका है कि ऐसे टेक्नोक्रेट, जब स्टेट को टेक्नोक्रेट्स की जरूरत है टू स्क्रिप्ट एन इकोनॉमिक ड्रीम फॉर द फ्यूचर, वी नीड सक्सेसफुल पीपल हु हैव अचीव्ड सक्सेस इन देयर लाइव्स थ्रू शेयर हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल, दैट दे एंटर द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स एंड होपफुली पुट इन देयर एफर्ट्स टू मेक J&K अ मच बेटर प्लेस टू लिव इन। हम वेलकम करते हैं परवेज साहब को। मेरे साथ वकील साहब हैं, मेरे वाइस चेयरमैन साहब, फिर हमारे सारे लीडर्स हैं, मंसूर साहब हैं, अपने कुरजीत साहब हैं, नज़ीर लावे साहब हैं, हमारे यूथ प्रेसिडेंट साहब हैं और हमारे यासर ऋषि साहब हैं। तो हम सब वेलकम करने आए हैं परवेज साहब को। और मैं अब चाहूँगा परवेज साहब अगर कुछ बोलना चाहें तो। सबसे पहला है कि YPC एंड Y सजाद साहब, आई एम श्योर कि बिफोर यू पोज दिस क्वेश्चन आई शुड आंसर दैट क्वेश्चन माई सेल्फ। आई हैव बीन डीपली इंस्पायर्ड बाय द सजाद साहब सिंसियरिटी ऑफ द थॉट, बाय हिज विजन एंड बाय हिज लीडरशिप स्टाइल। आई हैव नोन हिम वेरी क्लोजली सिंस लॉन्ग एंड वेन एवर वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी to meet, I think his deep desire of ushering the J&K into the new era of socio-economic development by way of his vibrant and innovative approach is the one which has always inspired me, and that is the kind of the thing which has always inspired me to join the PC and Sajjad Saab. I have always found him that he is always, always concerned about the dignity and the welfare of the people of the J&K. And second aspect which I would like to discuss, that it is indeed a pleasure for me to join the PC under his able leadership and under the able guidance of other senior party leadership, with whom I feel, the sense of true compatibility. And our collective objective will be now to have, to see the J&K as a economically prosperous, a self-reliant and progressive the place. And what I can bring to the table in the party, I will use my experience, domain experience and expertise in writing a script for the economic package of the people of the J&K, in view of the surmountable challenges, economic challenges which are facing for the in the J&K, for the people and for the economic institutions. Another aspect which I would like to discuss here, in my earlier capacity, I had the privilege of serving the people as a chairman of the bank for the last two decades, and it will be now again a pleasure to serve the people, and my endeavor will be to create the political and the economic institutions for a change by working within the aegis of the PC. And the objective is that we are having the enormous economic and the political challenges in the J&K, and it is the time to look for the collective and institutional solutions to ensure the socio-economic development of the J&K J&K region. लेकिन भाई देखो, हम सब आए हैं, मैं ये कोई ये नहीं चाहता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेक अवे हो। ये सबसे बड़ा जो है इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है हमारी कौम के लिए। ऐसी मुश्किलातें शायद ही, मेरे सीनियर हैं यहाँ वकील साहब, हम सब में सीनियर हैं, मुझे नहीं लगता है किसी ने देखी होंगी
मतलब पिछले सिंस 47 टफ टाइम्स, ऐसा लगता है जैसे गुस्से से कोई आ रहा है चार्जिंग, बट इंट्रोस्पेक्शन फॉर द पीपल ऑफ जे एंड के, अभी मुझे बोलना नहीं चाहिए था लेकिन इससे भी अच्छा वक्त कोई नहीं मिलेगा। जब मेन स्ट्रीम था 24 घंटे मीडिया से लेकर लोग गाली गाली गद्दार गद्दार, वो गद्दार खड़ा था, वो बचा रहा था इन सब चीज़ों को, जिसको आप गद्दार बोलते थे ना वही एक शील्ड था, उस शील्ड को आपने बेइज्जत किया गालियां दे देकर। जब तक आप अपनी मेन स्ट्रीम को इज्जत के साथ वापस नहीं लाओगे और उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे जो वो डिमांड करता है, दिस विल नेवर स्टॉप ना, टेक इट फ्रॉम मी, ये कभी अब स्टॉप नहीं करे, बिकॉज दे थिंक वी आर पावरलेस। जब तक लोग पावरफुल नहीं बनाए, मुझे ना बनाए, किसी और को बनाए, जम्मू वाले को बनाए, अरे कश्मीर को छोड़ दे, जम्मू के लोगों को बना ले, लेकिन अपने रीजन के लोगों को बनाए, तब तक आपको कोई नहीं, बाहर वाला यही करेगा। हम भी अगर बाहर जाएंगे यूपी में या दिल्ली में या हरियाणा में, हमारा क्या स्टेक होगा वहाँ? ये यू कांट इन्वेंट अ स्टेक, ये जो होता है जैसे हम इस स्टेट के हैं, ये एक नेचुरल बॉन्डिंग है, ये क्रिएट नहीं हो सकती है, इन्वेंट नहीं हो सकती है। सो बाहर से आ रहे हैं, जम्मू वालों ने कल वहाँ हड़ताल किया था, एक दुकान खुली नहीं थी, बट आई डिड नॉट सी एनी, जो हमें देखना चाहिए था हुकूमत से, कोई एक वो पैशनेट अपील या कोई अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, देयर इज एब्सोल्युटली नो अंडरस्टैंडिंग। डोमेन स्पेशलिस्ट, ये तो है बैंकिंग फाइनेंस, इनकी एक स्पेशलिटी विच ऑफ कोर्स द पार्टी विल ग्रेटली बेनिफिट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पार्ट ऑफ द सोसाइटी इन हिज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो अपार्ट फ्रॉम डोमेन एक्सपीरियंस, टेक्निकल एक्सपीरियंस, वी लुक फॉर हिम टू वर्क विद मंसूर साहब, विद नजीर साहब, ऑल ऑफ अस, बट स्पेसिफिकली इन साउथ कश्मीर, एंड यू नो ये एक इमर्जिंग लीडरशिप है इंशाल्लाह, जो साउथ कश्मीर के लोगों को हम अपनी तरफ से ऑफर कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर दे विल प्ले अ ग्रेट रोल। थैंक यू सर, थैंक यू सर।